हर 3 मिनट में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, फिर कहाँ से इस देश का पॉपुलेशन कम होगा? वेरी सिंपल यार, उस औरत को पकड़ के लाओ जो हर 3 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है, और उसको समझाओ 100 करोड़ तो ऐसे ही हो गए, कहाँ जाके तेरी गाड़ी रुकेगी? हाँ वाह चिकनी वाह, तेरा तो जवाब नहीं है। वाह टोपी वाह, तेरा तो कमाल है। मैंने कोई सवाल पूछा नहीं तो तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि तेरा जवाब नहीं है? वैसे सवाल जवाब की बात हुई है तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसे क्या कहते हैं? बता। नाखून। इसे नाखून क्यों कहते हैं? कैसे कैसे सवाल करती है तू? अब तू बोलेगी कान को कान क्यों बोलते हैं और नाक को नाक क्यों बोलते हैं? कान नाक नहीं है इसलिए उसे कान बोलते हैं, और नाक आंख नहीं है इसलिए उसे नाक कहते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसे नाखून क्यों बोलते हैं? हम लोगों को नहीं मालूम, तू ही बता दे। क्योंकि इसके अंदर खून नहीं होता इसलिए इसे नाखून कहते हैं। अरे अरे इसे क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो उसे? हटो यार। डैडी आप अपना काम करो, ये बच्चों का मामला है, माँ बाप को नाक खुसेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो चलो, तुम लोग मुझे मारो, चलो वापस मारो, चलो। बोलो, मैं इसे मार खाने से बचा रहा हूँ, ये उल्टा मुझे ही धमका रही है। अरे मारो, अरे यार डरपो, अरे क्या हो रहा है? हाँ मम्मी आ गई, चलो 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 आप आ जाओ। ए? सुन सुन, मम्मी को कुछ मत बताना। नहीं नहीं, मम्मी को तो बताना ही नहीं है। हाँ हाँ यार, दिन भर गए क्या? लेकिन मम्मी को बताने में क्या है? इतना मम्मी को बताओगे तो पापा को पता चल जाएगा, और अगर पापा को पता चल गया तो समझ लो तुम्हारी खटिया खड़ी और बिस्तर गुल। अरे क्या है बता दो ना। नहीं 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 मामा, अब तो पूछो ही मत। किस जुबान से बताएं हम लोग? बिना इनसे बोलो, हिचकॉक की तरह सस्पेंस मत खड़ा करे, कुछ है वो बोल दो। ठीक है मैं आपको बताती हूँ, दरअसल मैं इनको बता रही थी कि नाखून को नाखून इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें खून नहीं होता। इसमें इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं बाबू, वो तो जरा हम लोग आप लोगों की खिंचाई कर रहे थे। मम्मी डैडी का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उनसे खजाने की चाबी छुपा ली हो। देखा भी ना, ये लोग हमारी खिंचाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे माँ बाप बच्चे को बचपन से बड़े होने तक मारते हैं, डांटते, चिमटी काटते हैं, तो बच्चे माँ बाप का मजाक क्यों नहीं उड़ा सकते? हिंदुस्तान में अगर किसी को मदर इंडिया कहलवाने का हक है ना, तो इस मोटी को। औलाद के लिए इतनी पॉजिटिव थिंकिंग मैं भी नहीं कर सकती। समझा समझा बस। ए, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या जो घर में बैठे खून नाखून कर रहे हो? बहुत काम धंधा है। अभी अभी कल्लू मवाली का फोन आया था कि 12:35 की विरार लोकल से रेलवे का कैश जाता है, लूटने को आता है क्या? मुझे भी बियर बार से फोन आया था, दोपहर की डांसर भाग गई है, आती है क्या नाचने? हाँ, और मुझे प्रोफेसर परेरा का फोन आया था कि कुत्ते के गाने के एक्सपेरिमेंट पर थीसिस लिखने आ जाओ। कुत्ते के गाने पर एक्सपेरिमेंट? हाँ, प्रोफेसर परेरा कहते हैं जब कुत्ता रोता है ना तो एक लंबा सा सुर निकालता है। बहुत हो गया, आगे बोल। तो अगर उसे सुर को मॉड्यूलेट करने की ट्रेनिंग दी जाए ना तो उसका म्यूजिक वीडियो निकाला जा सकता है। और एल्बम का नाम क्या रखोगे? भावाव। नहीं तू। ए चुप है, गुलजार साहब की नई फिल्म का नाम भुत्तुत्तु है, उनको लगेगा कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ए मेहरबानी करके फिल्म इंडस्ट्री पे कुछ मत बोलना। डांडिया के त्योहार पर तुम लोग रविंद्र जैन जी के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। अरे बेवकूफो, तुम लोग को पता है रविंद्र जैन जी इंडिया के गिने चुने गुणी संगीतकारों में से एक है। हाईलाइट है नवरात्रि की कमेंट का नाताल में विरोध कर रही है। लड़की नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है, बक 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 कर नाक तेरा लंबा है, आ गया कहां से तू, बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू वहां जहां तेरी अम्मा है। इसे बोलते हैं आइडियल चेली। गुरु ने बोला बोलो छैया छैया, चेली भी बोलती है छैया छैया। गुरु मैया, ये छैया छैया का मतलब क्या है? वो क्या हुआ बबली, दरअसल ये था सैया सैया, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन सिंगर को जुकाम हो गया इसलिए हमें सैया सैया छैया छैया सुनाई देता है। सही है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। वैसे गुरु मैया, ये छैया छैया गाना सब लोग ट्रेन के ऊपर चढ़कर क्यों गा रहे हैं? क्योंकि दिल से पिक्चर बिल्कुल दिल से बनी है,
किसी ने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं, इसलिए जिसके दिल में जो आया उसने वो किया। बिना इन लोगों को कितना भी समझाओ, ये फिल्म वालों को छेड़े बिना नहीं रह सकते। अरे फिल्म वाले कौन से कम है, कभी नेता लोग को गालियां देते हैं तो कभी पुलिस को कोसते हैं। हाँ, सत्या जैसी फिल्म में क्राइम को इतना ग्लोरीफाई किया है कि गली का बच्चा बच्चा गाते घूम रहा है, गोली मारो भेजे में। कोई बोलेगा तो उसपे तो कुछ बोलेगी। अरे बबली वो सब छोड़, पहले ये बता तू यहाँ क्यों आई है। इधर आ तू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अपने गुरु मैया के चंदों की धूल लेने आई होगी, और किसके लिए आई होगी? गुरु मैया, आप भी कभी कभी अपने आप को बहुत महान समझ लेते हैं। तेरा क्या मतलब है, मैं महान नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप महान हो, लेकिन आपसे मैं महान हूँ। वो कहते हैं ना, चेला हमेशा गुरु से बढ़कर होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल? हाँ, आपकी शादी नहीं हुई और मेरी शादी 2 साल पुरानी है। मान गए बबली, मान गए, तू मेरे से महान है। इतना तो बता, तू यहाँ क्यों आई है? मैं एक कमाल की खबर सुनाने आई हूँ। क्या हुआ, अमित को अक्कल डाडूगी है क्या? ये कमाल की नहीं, डेंटिस्ट की खबर है। ए, बहुत फुटेज खा रही है, बताना क्यों आई है। आहा, एक अली उमर स्ट्रीट पे जंगली पीर आए है। कहाँ से आए? जंगल से आए, नेशनल पार्क से आए, या फिल्म सिटी से आए? मैंने उनका नेटिव प्लेस नहीं पूछा, लेकिन मेरे डैडी के दोस्त मोहम्मद हुसैन भाई कहते थे कि वो पीर जो दुआएं देते हैं वो सच हो जाती है। तो अब तक दिल्ली से लेकर बिहार तक के सब लीडर उसके पास पहुंच गए होंगे। वही तो मजा है, ये पीर ऐसे ही दुआ नहीं देता है, जब उसका मूड बनता है तभी वो दुआ देता है। तो चलो चलो, हम उनका मूड बना के मेरे लिए शादी की दुआ लेके आते हैं। हाँ चलो, चलकर तमाशा तो देखते हैं। हाँ चलो चलो, हो सकता है वो मुझ पे प्रसन्न हो जाए, तो मैं उनसे कहूंगी कि ऐसी दुआ करो कि सारे मर्द औरतों के दास बन जाए। अरे जा राधिका जा, तू भी जा, कोई ऐसी दुआ ले कि तेरी आंख कान ठीक हो जाए। हाँ, चलो। चलो। शमशुद्दीन बल्द बद्रुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। गंदी आइटम कहाँ से उठा के लाए? बापू तमीज से बात करो, कितने मुश्किल से हम इनको मना कर लाए हैं। इसको भी मनाना पड़ता है? बाबा देखो, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे डैडी है, ये मेरा घर है, बस वर ही नहीं है। तेरा नाम क्या है? वर नहीं, वो वर शमशुद्दीन नहीं, शमशुद्दीन आपका नाम। मेरा आनंद। आनंद? कौन सा आनंद, देव आनंद, चेतन आनंद या विजय आनंद? दुखी आनंद। दुखी आनंद? तुझे पता है तू दुखी क्यों है? क्योंकि तू अपने आप को दुखी समझता है। अरे सुख और दुख तो इंसान के अंदर होते हैं, तू अपने आप को सुखी समझ, सुखी हो जाएगा। अच्छा, कल मैं अपने आप को धीरू भाई अंबानी समझूंगा, क्या उसकी कंपनी मेरे नाम पे हो जाएगी? नहीं, तू अपने आप को धीरू भाई अंबानी समझेगा, लोग तुझे पागल खाने में कमरा दे देंगे। बाबा क्या पियेंगे आप? पियेंगे गधे का दूध मिलेगा, तुरे का जूस मिलेगा, पियेंगे, अच्छा होता है। एक कुछ भी मत बकवा, इसकी दुआ सचमुच असर लाती है। मेरी एक सहेली के ससुर ने इसका मजाक उड़ाया था, तो इसने उसको बोला था तुम गूंगे हो जाओगे, वो बेचारा सचमुच जबान का काम हाथ से लेता है। चलिए बाबा आप आराम कीजिए। हाँ ये ठीक है, चलिए। अरे ए, अरे वहां क्या जा रहा हो? आराम करने। आराम करने? अरे वो मेरा बेटू है। हाँ, ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया बस 4 रोज का बसेरा है। ए, सुन सुन, अरे सुन, बिना ये क्या है? अरे जिसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर हवालदार डंडे मारकर भगाए, ऐसा भयानक आदमी मेरे बेटू में सुनी जाता है। अरे अच्छा है ना, क्या अगर बाबा वहाँ सोएंगे और ये दुआ करेंगे कि आपकी हर चीज सोने की हो जाए, तो हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या वोकैबुलरी है, चीजें सोने की हो जाएगी, इसकी चांदी हो जाएगी। और फिर हम किसी सुंदर से गरीब को पकड़ के सोने का सोफा या चांदी की कुर्सी लालच दे के मेरी शादी करा देंगे। पुराने जमाने में किसी हटेरे ने गाना लिखा था, सोने की सही कल चांदी की सी, आओ चले हम डबल सी, साइकिल की चेन लेकर उसे मारू ऐसे मन करता। लेकिन मुझे क्या पता था
कि मेरी औलादी सोने का सोफा और कुर्सी के सपने देखेंगी। ए, इसे भगा दो, इसे भगा दो। अरे बापू आप फिक्र मत करो, एक दफा इसने हम लोगों को दुआ दे दी ना, उसके बाद अपन तलवार लेकर इसे सोनापुर कब्रिस्तान तक दौड़ाएगा। देखो मेरी बात मान लो, ऐसे पागल फकीरों की दुआओं से कुछ नहीं होता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मालूम है सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त मुंबई के डॉक में एक फकीर चिल्लाते हुए भागा था कि खाली कर दो, निकल जाओ यहाँ से वरना जल जाओगे। और सचमुच एक स्टीमर में धमाका हुआ था और वहां से सोने की ईंटें उड़कर लोगों के घर में गिरी थी। देखो ट्राई करने में क्या जाता है, अगर बाबा ने हमें दुआ दी वो सच हो गई तो ठीक, वरना हम कौन सा घर के बाहर बैठकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हाँ डैड, हम लोग सब लोग अपने लाइफ में मस्त है। मैं भली, मेरा आईना भला, ये और इसकी किताब भली, मीनाक्षी का मन तो बेलन में लगा हुआ है। हमारे काजल भाई ने ऐसी लाइन अपनाई है कि इसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। रहा सवाल छोटी का, तो लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यूज होते हैं, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। हो गई, खत्म हो गई तेरी फिलॉसफी। क्या बात कर रहे हो डैडी, मैं फिलोसोफर बन गई और मुझे पता तक नहीं चला। चलो कल से मैं लेक्चर शुरू करती हूँ, भेजा करी फॉर मैन वुमन एंड चाइल्ड। ये क्या होता है? अरे वो सिग्नल पे किताबें बिकती है ना, चिकन सुपर मैन, चिकन सुपर वुमन, इसी तरह मैं भेजा करी सीरीज शुरू करने वाली हूँ। हो गया, चलो खाना लगाओ अभी। वाह माँ, क्या भिंडी की सब्जी बनाई है। भिंडी? भिंडी कहाँ है? ये क्या है? वो तो आलू है। डैड, आज से हमने आलू को भिंडी कहना शुरू किया है। क्यों? बस फॉर अ चेंज, आज से हम लोग भिंडी को तुरई बोलेंगे, बंद गोभी को टमाटर और प्याज को कद्दू बोलेंगे। अरे तुम्हें पता है आजकल कद्दू का भाव बहुत बढ़ गया है, इसका भाव कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। अरे कद्दू के नहीं प्याज के भाव बढ़े। अरे हमने कहा ना आज से हम प्याज को कद्दू कहेंगे। ऐसे कैसे बात कर सकते तुम लोग, प्याज प्याज होता है, उसे कद्दू कैसे बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? अरे जो जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन सकता है, रवि कपूर जितेंद्र बन सकता है, ऋतु चौधरी महिमा चौधरी बन सकती है, महेश अबीन मीना कुमारी बन सकती है, तो हम लोग प्याज का नाम बदल के कद्दू क्यों नहीं रख सकते? तुझे जो रखना है वो रख, लेकिन मुझे खाने दे। क्यों दुखी आनंद, खाना खा रहे हो? नहीं, भैंसे चरा रहा हूँ। क्या बात करता है ये क्या पहने तुमने? लाल दुपट्टा मलमल का। अबे वो काले कफन, ये मेरा कुर्ता पैजामा है। तो ऐसे रोता क्यों है? तुम मेरी लुंगी पहन लेना। जी जी जी, क्या खा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे थाली में हाथ मत डालना। अरे तो तेरा नाम लिखा है इस पर? हाँ, नहीं लेकिन मेरा खाना इसमें परोसा है। तो मुझे भी भूख लगी ना, चलो हम दोनों खाते हैं। अच्छा ठीक है, कल तू उठकर बोलेगा कि हम दोनों हैदराबाद ब्लू फिल्म देखने को जाते हैं, तो क्या मैं तेरे साथ पिक्चर देखने आऊंगा? तेरा भी जवाब नहीं यार, पहले तू ये तो पूछ कि तेरे जैसे आदमी के साथ मैं पिक्चर देखना पसंद करूंगा या नहीं। बोलो चल खाना खा लेते। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए बाबा, मैं आपके लिए दूसरी थाली परोस देती हूँ। नहीं, मैं इसी थाली में खाऊंगा। नहीं, मैं तेरे साथ मेरा खाना शेयर नहीं करूंगा। तेरा खाना कहाँ से आया? गेहूं का दाना खेत में तूने उगाया? नहीं। आटा पिसने चक्की में तू गया था? नहीं। रोटी तूने अपने हाथ से बनाई है? मैंने हाथ से नहीं बनाई, लेकिन बनाने के लिए पैसे मैंने दिए। तो ठीक है, ये ले 500 रुपए, तू पैसे खा, रोटी मत खा। मैं मारूंगा तुझे, मैं तुझे मारूंगा, इतना मारूंगा तू खाना भूल जाएगा और डैडी खा लेगा अपनी, बोल देता हूँ मैं। यहाँ बापो, बाबा के साथ तमीज से पेश आओ। क्या तमीज से पेश आऊं? ये गटर का डुक्कर मेरे बेडरूम में सोता है, मेरे कपड़े पहनता है, अरे मेरी थाली में खाना खा रहा है ये। इसकी दुआ से कुछ हो जाता ना तो ये खुद इधर उधर नहीं भटकता, अपने लिए महल नौकर चाकर गाड़ी बंगला मिलने की दुआ करता है ये। जाओ 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 भाई, तुम जाओ जाओ ऐसे जाओ। नहीं डैडी, बाबा कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे मेहमान है। ए मेहमान है तो उन्हें रखो रेस्ट हाउस में, नहीं तो किसी होटल में, मेरे यहाँ नहीं रहेंगे। ए तू जाओ ना, जाओ भाई। बाबा, इससे पहले कि हमारे डैडी आपको जूते मार के घर से बाहर निकाल दे, मेरी शादी की दुआ कर दो। नहीं, इससे मेहमानों से चिड़े ना, मैं दुआ करता हूँ। इसके यहाँ एक ऐसा मेहमान आए जो इससे नाको चने छपवाए। क्या? हाँ, तुझसे नाको चने छपवाए, जा रहा हूँ मैं। ए, ए चने,
ए नाको नाको चने चबवाए। बाबा ने कहा था कोई ऐसा मेहमान आएगा जो डैडी को नाको चने चबवाएगा। ऐसा कौन सा मेहमान आएगा? मैं बताऊं? बता। मेरे वो क्या? मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, दहेज की लिस्ट डैडी को देके नाको चने चबवाएगा। दहेज? और हमारे घर पे आके मांगेगा? अरे उसे अरब कंट्री में ऊंट चराने भेज देंगे। अरे अरे ये तो मम्मी की आवाज है, चलो चल के देखते क्या हुआ। चलो चलो चलो। अरे उल्टी जैसे हो रहा है पर उल्टी नहीं हो रही है। मीनाक्षी जल्दी जा और अपना बेलन लेके आ और मम्मी के गले में ठूस दे, सब उल्टी बाहर निकल आएगी। अरे होगी ना, दिन भर तेल मसाले का रगड़ती है, पित्त हो गया होगा पित्त। ए ताने मत मारो, आजकल जहाँ देखो वहाँ फूड पॉइजन के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले महीने हमारी जमात में 100 नए भूत आए, उनमें से 36 सिर्फ फूड पॉइजन की वजह से ऊपर आए हैं। तू उधर की बात बाद में कर, पहले इसे देखते हैं। ए कहीं मम्मी को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई? माँ को दवा खाने ले चलते। अरे अब तक कोई डॉक्टर नहीं आया होगा, चलो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलो 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 चलो। अरे चलो चलो क्या, चलो ना फिर, चलो चलो चलो। इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं एक साथ? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। हमारी मम्मी को ना बहुत उल्टियाँ हो रही हैं इस उम्र में। तो क्या उल्टी करने की उम्र फिक्स होती है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप जरा बाहर बैठिए, मैं जरा इनको अंदर लेके जाती हूँ। हेलो। हेलो। आपकी शादी हो गई है? हाँ। आपको ऐसे नहीं लगता है कि आपने शादी करने में थोड़ी जल्दबाजी की है? क्या मतलब? अरे यार इसकी बात का मतलब समझ नहीं जाएगा ना तो पागल हो जाएगा, छोड़ना। हेलो हेलो हेलो। वाओ कितना हैंडसम मोबाइल वाला आदमी है ना। अफसोस शादीशुदा है। अगर इसकी बीवी मुझे दिख जाए ना तो मैं उसको सीढ़ी से धक्के मार के मार दूं। क्या बकती है? माँ यहाँ बीमार है और ऐसे बकती तू? मुबारक हो, मुबारक हो, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। पापा ने कहा था मेहमान आने वाले, मतलब ये तो नहीं